दोस्तों, जब जेसीबी मशीन द्वारा भगवान शिव की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, तभी हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने यह साफ साफ बता दिया कि क्या होता है जब भोलेनाथ से कोई टक्कर लेता है। दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनने से पहले सच्चे शिव भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज हम महादेव का एक ऐसा चमत्कार बताने जा रहे हैं जो अविश्वसनीय है। उत्तराखंड में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल यहाँ एक पहाड़ी इलाके पर रोड निर्माण के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई चल रही थी, तभी वहाँ खुदाई करने वालों को एक सांप दिखाई दिया। दरअसल सांप के शरीर का सर वाला हिस्सा जमीन के ऊपर था और बाकी हिस्सा जमीन के अंदर। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि जब जमीन की खुदाई की जा रही थी तो इस दौरान जमीन से भगवान शिव की एक ऐसी प्रतिमा निकली, परंतु वह मूर्ति उस समय किसी को दिखाई नहीं दी और जेसीबी मशीन चालू थी। जैसे ही जेसीबी मशीन शिव प्रतिमा को खंडित करने ही वाली थी कि ठीक उसी समय एक सांप के तेज फुंकार की आवाज सुनाई दी। अगर खुदाई वालों को वह सांप नहीं दिखता तो वह भगवान की मूर्ति को हानि पहुंचा देते। इस घटना से संबंध में जब जेसीबी ड्राइवर से इस बारे में बात करी गई तो उसने बताया कि रोड निर्माण का कार्य चल रहा था। जिस जगह पर भगवान शिव की मूर्ति निकली ठीक एक दिन पहले उसी जगह उसकी मशीन खराब हो गई थी। वह बताता है कि महादेव शायद नहीं चाहते थे कि उस मूर्ति वाले एरिया की खुदाई हो, परंतु वह ड्राइवर बताता है कि जब उसे मशीन को ठीक करवाया गया तो अगले दिन उस मशीन ने काम करना शुरू कर दिया और खुदाई पुनः आरंभ करी गई। परंतु जब वह उस जगह पहुंचा जहां शिव जी की प्राचीन मूर्ति थी तो उसे अचानक से वहां एक विशाल काय सांप दिखाई दिया जो फुंकार मार रहा था, और उसके बगल में ही महादेव शिव की प्रतिमा भी दिखाई दे रही थी। महादेव शिव का ऊपरी हिस्सा जमीन के बाहर था तो आधा हिस्सा जमीन के अंदर। उनका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था और वह नाग उन्हीं के पास कुंडली मारकर बैठा था। ड्राइवर सहित वहां जो भी मौजूद था सभी चमत्कार को देख हैरान थे। जब इस चमत्कार की खबर वहां आसपास के गांव वालों को पता चली तो वहां आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने माना कि यह भगवान शिव का ही चमत्कार है कि उस नाग ने भगवान शिव की प्रतिमा को क्षति होने से पहले ही बचा लिया। वहाँ के लोगों के मुताबिक भगवान शिव की इस प्राचीन मूर्ति को दिव्य मूर्ति बताया जा रहा है। दरअसल इस मूर्ति को भगवान शिव की रुद्रावतार वाली मूर्ति बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।